नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 5 की आंच का। आज सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा स्पीकर की। स्पीकर के पद को लेकर चुनाव हुआ, इस बार विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। बात होगी राहुल गांधी की। अब सदन में एक बड़े और अहम पद पर राहुल गांधी होंगे। साथ ही आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। जंगल में मिली नोटों की टकसाल को लेकर अब पुलिस सख्त हो गई है, यह भी आपको दिखाएंगे 5 की आंच में। लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर इस बार सरकार और विपक्ष में तकरार देखने को मिली है। इस तकरार के चलते स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला की जीत की घोषणा की गई। ओम बिरला की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। साथ ही विपक्ष से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जीत के बाद ओम बिरला को पीएम मोदी स्पीकर की चेयर तक ले गए। इस दौरान राहुल गांधी भी साथ में दिखे। सदन में राहुल गांधी पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं, इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप उनकी सैलरी होगी, सुविधाएं दी जाएंगी। कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला भी मिलता है, साथ ही कार के साथ साथ ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी मिला है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उधर राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी सदन में सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाएंगे। जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी करते हैं उससे ऐसा नहीं लगता है। राहुल गांधी जी को बधाई है, पर जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि जो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है उस तरह की भूमिका वो निभा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत परिसर के अंदर ही सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। कथित शराब घोटाले के मामले में अब सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने केजरीवाल का अरेस्ट मेमो वेकेशन बेंच के स्पेशल जज अमिताभ रावत को सौंपा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का आधार केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया है। सीबीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी के पीछे की प्रमुख वजह यह है कि वो बतौर सीएम उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने विवादित नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। उधर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर इतनी नफरत हम लोगों से है, आपातकाल तो तुमने देश में लगा ही रखा है, कहीं चौराहे पे खड़ा करके हम सबको गोली मार दो, एक बार में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे गंदा खेल मत खेलो, पूरा देश तुम्हारे घिनौने और गंदे खेल को देख रहा है। संजय सिंह को आपने सुना, सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ करेगी और संजय सिंह ने यहां पर तीखा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल को, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उस मसले पर। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होगा। इस बार सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होगा। इस बार सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल कांग्रेस विधानसभा सत्र को लेकर कमर कस चुकी है। सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की ओर से
रणनीति बनाई गई है। सदन में कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नर्सिंग घोटाला, पेपर लीक, एमएसपी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, लाडली बहनों को 3000 रुपए महीना समेत कई मुद्दों पर घेरेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे जनता से किए थे उनको अब तक पूरा नहीं किया है। हम ये बात लगातार करते हैं क्योंकि 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और लगातार ये सरकार जो है वादे करके सत्ता में आई थी। किसानों को एमएसपी देने की बात हो, धान पर, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे लाडली बहनों को 3000 देने की बात हो, चाहे सिलेंडर 450 में देने की बात हो, ये तमाम जो वादे थे ये अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के झूठ की पोल तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में खुल गई थी। कांग्रेस ने मंत्रालयों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी। देखिए, कांग्रेस के झूठ की पोल तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में खुल गई थी, जिसमें एक भी वादा पूरा ना करके भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था मंत्रालय को। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है। लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण की राशि हो, चाहे समर्थन मूल्य बढ़ाने हो, सभी पर जनता को लाभ दिया जा रहा है और आगामी दिनों में लाडली बहना की राशि भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही बकायदा जितने वायदे हैं उनको पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान भी किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायकों को सबूत के साथ विधानसभा में आने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में अबरवाला विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयार है। अब इसको लेकर घमासान तेज हो गया है। अमरवाड़ा में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता प्रचार करेंगे। इस बीच 29 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम सिंगोड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 27 जून से प्रचार शुरू करने वाले हैं। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस धीरन शाह और बीजेपी से कमलेश शाह मैदान में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का किला छिंदवाड़ा भी ढह गया और सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत का डंका बजा दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कमान सौंप दी, लेकिन पहली परीक्षा में जीतू पटवारी बुरी तरह से फेल हुए। ऐसे में अमरवाड़ा उपचुनाव को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन नाम वापस लेकर कांग्रेस के साथी जीतू पटवारी को भी झटका दिया था। जीतू पटवारी इंदौर के ही रहने वाले हैं। जीतू पटवारी की नाकामियों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो लिस्ट भी शामिल है जो लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, यानी पार्टी को एकजुट रखने में जीतू पटवारी नाकाम रहे। अब जीतू पटवारी की दूसरी परीक्षा अमरवाड़ा उपचुनाव में होने जा रही है। अमरवाड़ा में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। जांच में एक नामांकन को रिजेक्ट किया गया है, जबकि 16 प्रत्याशियों के नाम सही मिले हैं। ऐसे में इंदौर जैसा खेल अमरवाड़ा में ना हो, जीतू पटवारी इसलिए अमरवाड़ा पहुंचे और 3 दिन विधानसभा में कैंप करने वाले हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक रहे कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए थे और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने उनको ही प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद धीरन शाह इनावती को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देवरावेन भलावी को प्रत्याशी बनाया है, यानी यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 13 जुलाई को सामने आएंगे। बात इंदौर के, जहां ड्रग्स तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस के स्विफ्ट किल अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंदसौर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे, इसको छोटे छोटे पैकेट बनाकर यहां सप्लाई किया करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्रग्स की कमाई से क्रिकेट मैच भी ऑर्गेनाइज करते थे। पुलिस को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीसीपी के नेतृत्व में MIG थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों से पुलिस ने 55 लाख रुपए की ब्राउन शुगर और 33,000 रुपए की अवैध शराब भी बरामद की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। घेराबंदी करके उसको पकड़ा, तब उसके पास से हमें लगभग 550 ग्राम की ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग कीमत 55 लाख की है। और उसके साथ ही एक
राम भोमराज को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक ग्रे कलर की बुलेनो कार मिली है और लगभग 94,000 की नकदी भी प्राप्त हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये मंदसौर से लेकर के आते थे और यहाँ पर उसको छोटे पैकेट्स में बना करके जो सप्लायर्स हैं उनको प्रोवाइड करते थे और इनका नेटवर्क जो है पूरे इंदौर में कई सप्लायर्स के नाम इन्होंने बताए हैं, जिनके ऊपर चिन्हित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। बस्तर में नक्सलियों से नकली नोट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी पुलिस अधीक्षकों को बस्तर आईजी ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आईजी की ओर से पुलिस को नक्सलियों के गिरफ्तार होने पर नकली नोट के बारे में पूछताछ के निर्देश दिए गए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों से नकली नोटों को लेकर पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों से मिले नकली नोट के पीछे एक बड़ा खुलासा हो सकता है। दरअसल सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को नक्सलियों के पास से नोट छापने की मशीन मिली थी। इतना ही नहीं, सर्चिंग टीम ने मौके से 50, 100, 200, 500 रुपए के नकली नोट के सैंपल भी बरामद किए थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि नक्सलियों को अब फंड की कमी हो रही है, इस वजह से अब वो नकली नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्चिंग के बाद जवानों की टीम ने कोराजगुड़ा के जंगलों से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की थी। और जैसे इस टाइप का यदि कोई कैडर गिरफ्तार होगा या सरेंडर होगा, जिनके माध्यम से हमको इस संबंध में और आगे जो स्पष्ट जानकारी मिलेगा उसी हिसाब से हम एक एक बिंदु को जोड़कर आगे ले जाएंगे उसको। लेकिन अभी इस प्रकार के ट्रेंड जो सामने आना काफ़ी एक नया विषय रहा हमारे लिए और काफ़ी एक चिंता का विषय भी है। उसी को देखते हुए मतलब हम लोग आगे बढ़ेगा। छतरपुर में एक युवक के साथ तालिबानी सलूक किए जाने का मामला सामने आया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे युवक के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा, लात घूंसे मारे, कट्टा अड़ाया और फिर कपड़े फाड़ दिए। इसके अलावा उन्होंने युवक के शरीर को सिगरेट से कई जगह पर दागा भी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ आरोपी से मारपीट हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल भी बरामद की है। एसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल है जो संज्ञान में पुलिस के जैसे ही आया, उसमें तत्काल कार्रवाई की गई है। वीडियो में इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है कि 2 लोग मिलकर के एक व्यक्ति की मारपीट कर रहे हैं और एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है, तो तत्काल संज्ञान लेते हुए उस प्रकरण में 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। फरियादी जिस प्रकार से घटनाक्रम बता रहे हैं उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है और सख्त से और अब राजधानी भोपाल में दबंगों की क्रूरता की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो दबंगों ने एक युवक को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हद तो तब हो गई जब उसके कपड़े तक उतरवा दिए गए। पिटाई का वीडियो सामने आया है जो परवलिया सड़क का बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हर दिन दबंगों की दबंगई के मामले सामने आ रहे हैं। नियम कानून और कार्रवाई होने के बाद भी बदमाशों पर कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि बदमाशों में पुलिस की कार्रवाई का डर रहे। और अब खबर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है। खबर आपको सावधान करती है। दरअसल धमतरी जिले की मगरलोड पुलिस ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर ठगी करने वाले आरोपियों को अरेस्ट किया है। मुख्य आरोपी पूरन साहू जो फिंगेश्वर का रहने वाला है, वो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ठगी करता था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 14 लोगों से 11 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठगी है। आरोपी तंत्र मंत्र के जरिए भूत भगाने, धन बताने और बीमारी ठीक करने के एवज में ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों ने कई लोगों से शराब की लत छुड़ाने के लिए लाखों रुपए ठगे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। गरियाबंद में तालाब की सफाई की मांग को लेकर गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है। फिंगेश्वर के लोहरसी गांव में तालाब के किनारे ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। सरपंच और सचिव के खिलाफ गांव वालों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। तालाब में गंदगी से लोग परेशान हैं। तालाब की सफाई नहीं होने पर गांव वालों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। लोहरसी में ये तालाब आप देखिए जो गंदगी से पूरा भरा हुआ है और ये मैदान में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तालाब की सफाई की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और अब मैं इनसे बात करूंगा कि क्या समस्या इस तालाब में, पूरा गंदा दिख रहा है और कितनी समस्या होती है।
बहुत गंदा हो चुके हैं, पत्ते छिल चुके हैं, कट नहीं रहे हैं, कोई नहाने की समस्या होती है, खुजली होती है, बदबू करते हैं। आप लोग के लिए निस्तारी के लिए एक ही तालाब है? हाँ, एक ही तालाब है। क्या क्या परेशानी होती है? इसमें खुजली होता है, मच्छर बहुत उत्पाद कर रहे हैं, घर में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, काट रहे हैं बच्चों को भी, महिलाओं को, सभी को, और इससे बहुत बदबू आता है, नहाने का मन ही नहीं करता है। निस्तारी के लिए एक ही तालाब है, बहुत परेशानी होता है, कहाँ कहाँ शिकायत की है? सर, मैं जनपद कार्यालय में भी इसका शिकायत दे चुका हूँ। खुद लेने आया? जी नहीं सर, अब तो क्या चाहते हो आप? सफाई चाहते हैं सर। सफाई चाहते जी। और देखिए, सफाई के लेकर तमाम महिलाएं पर इकट्ठा है, नहाते हो तो परेशानी होता है, सुने कि सोना चांदी का कलर निकल रहा है। हाँ, पूरा चांदी सोना भी काला पड़ जाता है। और निसारी करते हैं? और तालाब है यहाँ? नहीं है। नहीं, बच्चों को क्या परेशानी होता है? बहुत बदबू मारते, कपड़ा वपड़ा सब जाए, खुजली वगैरह हुआ है ना? हाँ, खुजली। तो चर्म रोग जैसी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ये जो तालाब पूरी तरह से देखिए कि गंदगी में पड़ चुका है, चर्म रोग जैसे समस्याएं यहाँ पर लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। साथ ही लोहरसी के लोग लगातार इसकी शिकायत कर चुके हैं, सुध लेने वाले कोई नहीं है। नाराज ग्रामीणों ने आज यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया और तालाब की सफाई को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हत्थे झपट्टा गैंग चढ़ा है। पिछले कई महीनों से इस गैंग की तलाश कर रही थी पुलिस। गैंग ने कई महिलाओं से लूटपाट की थी। 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कामयाबी मिली है। 11 मोबाइल फोन इस गैंग के पास से और 6 गाड़ियां भी मिली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झपट्टा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पिछले कई महीनों से इस गैंग की तलाश कर रही थी पुलिस। तो 11 मोबाइल फोन, 6 गाड़ियां मिली हैं जो वारदात को अंजाम देते समय ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खजराना को इस लूट के मामले में तत्काल एक टीम गठित करके तलाश के लिए लगाया गया था। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 24 घंटे के अंदर में ही जो लूट के आरोपी थे उनको हमने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहूलियत के माध्यम से ट्रेस किया। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, किस तरह से इन्हें पकड़ा गया? 24 तारीख की एक घटना है जिसमें फरियादी द्वारा शिकायत की गई कि रात चलते हुए फोन में बात कर रहे थे, अचानक से कुछ सेकंड में मोबाइल झपट्टा मार के कुछ आरोपी लेकर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले और 3 सातीर बदमाशों को पकड़ा है। और ये जो बदमाश है, पहले ये मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन इनके महंगे शौक थे और महंगे शौक की वजह से ये मोबाइल लुटेरे बन गए। महंगे शौक थे, पैसे की कमी थी, मजदूरी करके जब आते थे तो उसके बाद ये बाइक से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने लग गए। इनके पास से 6 बाइक और 11 महंगे मोबाइल फोन जब्त हुए। कई सारे जो मोबाइल लूट की घटना है उसमें इनका हाथ रहा है। पुलिस पूछताछ में बड़ी खुलासा हुई और कई सारे मोबाइल इनसे और मिल सकते हैं, लेकिन ये तीनों साथीर बदमाश हैं, लिस्टेड बदमाश उस क्षेत्र, कई बार जेल जा चुके और तीनों पर ही पूर्व में कई अपराध के मामले दर्ज हैं। और खासतौर पर लसुड़िया थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो झपट्टा गैंग से वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। कई सारे तस्वीर सामने आई थी और खासतौर पर ये गैंग महिलाओं को निशाना बनाती थी। जो महिलाएं घर के बाहर सामान लेने के लिए जाती थी या टहलने के लिए निकलती थी, महालक्ष्मी नगर भी इंदौर के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में से एक माना जाता है, तो जो सुनसान गलियां होती थी उन सुनसान गलियों में मोबाइल और यहां तक कि कुछ महिलाओं के साथ इन्होंने चैन स्नेचिंग की बड़ी घटना को भी अंजाम दिया था। तीनों साथी बदमाश इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है। कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता है क्योंकि लसुड़िया क्षेत्र में लगातार मोबाइल थी और 3 लुटेरे पकड़े जा चुके हैं जो उस क्षेत्र के सबसे बड़े बदमाश लिस्टेड बदमाश हैं। अब इनसे लगातार इंदौर पुलिस पूछताछ कर रही है। जी मिथिलेश गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहां उज्जैन महाकाल मंदिर में हर रोज हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आसान नहीं रह गए हैं। आए दिन मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और ठगी के मामले सामने आते हैं। अब इस मामले को लेकर घटिया से विधायक सतीश मालवीय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें दर्शन की व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इसमें कुछ मार्गदर्शन नीचे के अधिकारी मार्गदर्शित करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन एक बार जरूर कहना चाहूंगा
क्योंकि परिवर्तन करना चाहिए। कई सारे लोग 10-10 सालों से एक ही जगह बैठे हुए हैं, जब एक ही व्यक्ति 10 सालों तक बैठता है तो उसका जाल बनता है और उस वजह से इस प्रकार की अव्यवस्था होती है। व्यवस्था के संबंध में जो कुछ बिंदु रेज किए गए हैं जैसे दर्शनार्थियों के साथ में धोखाधड़ी, तो उस पर हम पहले से ही प्रोएक्टिवली संबंधित मैटर में शिकायत थाने में दर्ज कराते हैं। एफआईआर भी हुई है कई जगह पे, महाकाल की सिक्योरिटी टीम ने लोगों को चोरी करते हुए भी पकड़ा है और उसको और बेहतर करने के संबंध में हम जो सिक्योरिटी टीम है उसके साथ में चर्चा करेंगे कि कैसे और स्टाफ जो प्रोएक्टिव है उसको लगाया जा सके। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सावन में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सके, इस लिहाज से मंदिर समिति बड़ा बदलाव करने जा रही है। शनिवार और रविवार को होने वाली भस्म आरती के लिए प्रोटोकॉल की सुविधा को बंद कर सकती है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिल सके। खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।